हम लोगों का विचार है कि देश में अनेक दलों को एकजुट होना है और मिलकर के देश के लिए आगे काम करना है, इसकी प्रगति के लिए काम करना है। भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, इसलिए सबको इकट्ठा होना है। जिस तरह से बिहार में हम लोग इकट्ठा करके भाजपा को विदा किया है, इसका रेस्पॉन्स पूरे देश में है। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में अगर सत्ता में वापसी से रोकना है तो विपक्षी दलों को एक मंच पर आना होगा। और निसंदेह जब आज वातावरण अनुकूल है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त जनाक्रोश है, लोग महंगाई से बिलबिला रहे हैं, परेशान हैं, कहीं ना कहीं आज एक और हम ये कह सकते हैं कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम रेपो रेट की बढ़ी हुई दरों के साथ आरबीआई करने जा रहा है। और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से लेकर इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जिस कदर बेजा इस्तेमाल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि एक दिन भी 2024 के बाद इस देश पर वो राज करें। सोनिया गांधी के पार्टी में लोग मिल जाए, टिकट में बंटवारा होगा तो सीट देवे ना करेंगे सोनिया गांधी जी के पार्टी को, मिल का नहीं जाते हैं उसी में। क्या परिवर्तन है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या परिवर्तन किया, जिसके खिलाफ पैदा लिया, कांग्रेस के खिलाफ ही लालू नीतीश वगैरह वगैरह लोग पैदा लिए, आज उसी कांग्रेस के पैर पर जाके नतमस्तक हैं, गिरे हुए हैं। लालू जी को भी सजा याफ्ता होना था तो राहुल गांधी ने ही नोटिफिकेशन फाड़ के फेंका था, आप लोग तो ज़्यादा जानते हैं, और उसी के सर पैर पर रख के नतमस्तक हो रहे हैं। कितना मजाक की बात है और अमर्यादा की बात है कि जिसने इस तरह का हरकत किया, इतना दिन तक जेल में रखा, अब वो इनको आ रहा है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाने के लिए, जेकरा 40 गो MLA रहती वही प्रधानमंत्री होता ही, और जो देश भर में पार्टी है वो इनके पीछे पीछे घूमेगा, ऐसा नहीं होता है। ये लोग अपना घूमे नगरी नगरी द्वारे द्वारे।